नमस्कार, गाजीपुर की दिन भर की सबसे बड़ी 5 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं जिले की पहली बड़ी खबर से। वीर अब्दुल हमीद सेतु पर ओवरलोड वाहनों पर रोक लगाने के लिए मुख्यमंत्री को संबोधित पत्रक जिलाधिकारी के माध्यम से पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष पंकज उपाध्याय के नेतृत्व में पत्रक भेजा गया। रेवतीपुर ब्लॉक के तमाम जर्जर सड़कों के पुनर्निर्माण की मांग की गई। जिलाधिकारी से वार्ता के दौरान पंकज उपाध्याय ने कहा कि ओवरलोड वाहनों के कारण बार बार सेतु की बेरिंग खिसक रही है, इससे सेतु को बंद कर दिया जाता है। इसकी वजह से गंगा पार के लाखों लोगों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट जाता है। कहा कि अगर 3 दिनों के अंदर रात में ओवरलोड का खेल प्रशासन बंद नहीं कराता है तो क्षेत्र की जनता सड़क पर होगी। इस अवसर पर पूर्व महामंत्री पप्पू, वर्तमान अध्यक्ष अनुज कुमार भारती, बाबर अंसारी, पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष दीपक उपाध्याय, वर्तमान महामंत्री प्रवीण विश्वकर्मा, विकास सिंह, शशांक उपाध्याय आदि छात्र मौजूद रहे। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रांतीय आह्वान पर बुधवार विकास भवन में धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर अध्यक्षता करते हुए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिलाध्यक्ष दुर्गेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि विगत वर्षों में परिषद के प्रांतीय पदाधिकारियों व प्रमुख सचिव तथा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वार्ता के क्रम में सहमति बनी है, लेकिन आज तक किसी भी सहमति पत्र का क्रियान्वयन नहीं हुआ है, जो कर्मचारियों के साथ विश्वासघात है। सरकार हर विभाग को निजीकरण पर देने के लिए आमादा है, इसे परिषद किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। इस मौके पर विद्युत मजदूर पंचायत के संयोजक निर्भय नारायण सिंह, मिनिस्ट्रियल फेडरेशन महासंघ के अध्यक्ष विजय शंकर राय, अध्यक्ष राम नगीना यादव, परिषद के मंडल अध्यक्ष डी एस राय, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह, श्रीकांत राय, मानधाता सिंह आदि उपस्थित रहे। संचालन राकेश पांडे एवं रोशन लाल ने संयुक्त रूप से किया। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने देशव्यापी आह्वान पर बुधवार को सरजू पांडे पार्क में धरना देकर एमएसपी अधिकार दिवस मनाया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि देश के किसानों के सभी कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित नहीं है। मोदी सरकार द्वारा गठित शांता कुमार कमेटी के अनुसार मात्र 6% किसानों को ही फायदा मिलता है। मोदी सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि बिल अब एमएसपी पर खरीद के रास्ते को बंद कर देगा। कहा कि लॉकडाउन और खेती किसानी के संकट से जूझ रहे किसानों को विशेष आर्थिक पैकेज देकर बढ़ा हुआ बिजली बिल माफ करने के बजाय किसान विरोधी मोदी सरकार खेती किसानी को कॉर्पोरेट घरानों के हाथों औने पौने दाम पर नीलाम कर रही है। 3 कृषि बिल लाकर किसानों को बेमौत मारने और आत्महत्या की ओर ढकेलने का काम किया है। धरने को किसान महासभा जिलाध्यक्ष गुलाब सिंह, मोती प्रधान, राम प्रवेश कुशवाहा, प्रमोद कुशवाहा, पूर्व विधायक राजेंद्र यादव आदि ने संबोधित किया। कासिमाबाद थाना क्षेत्र के सराय मुबारक तरौटी गांव निवासी रमा सती राम की झोपड़ी में मंगलवार की रात करीब 12 बजे संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। रमा सती, उसकी पत्नी राधिका देवी किसी तरह से 4 बच्चों को लेकर भागकर अपनी जान बचाई। आग का शोर सुन वहां पहुंचे पास पड़ोस के लोगों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। मौके पर पहुंचे ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अजय कुमार त्रिपाठी ने 1 क्विंटल गेहूं एवं चावल उपलब्ध कराते हुए अन्य तरह का मदद देने का भरोसा दिलाया है। कोतवाल बलवान सिंह, क्षेत्रीय लेखपाल रामनारायण यादव, युवा समाजसेवी शैलेश यादव, श्रवण यादव, पत्रु यादव, इंदल सहित आदि लोगों ने मौके पर पहुंचे और पीड़ित से घटना की जानकारी ली। पीड़ित ने बताया कि आग की इस घटना में 8,000 नकदी सहित गृहस्थी का अन्य सामान जलकर राख हो गया है। दुल्लापुर थाना पुलिस ने बुधवार को वाहन चेकिंग के दौरान 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि 3 भागने में सफल हो गए। उनके पास से 2 तमंचे और 2 कारतूस के साथ ही चोरी की 6 बाइकें भी बरामद की गई। पुलिस ऑफिस में आयोजित प्रेस वार्ता में अभियुक्तों को मीडिया मुखातिब कराते हुए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि गिरफ्त में आए अभियुक्त शातिर वाहन चोर है। वो विभिन्न जनपदों से बाइकों की चोरी करते थे, उस पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर उसकी बिक्री करते थे। अभियुक्त बिरनो थाना के अराजी इंग्लिश निवासी रामजी राजभर और शादियाबाद थाना के टड़वा टप्पा सौरी निवासी नीरज यादव का संबंधित धाराओं में चालान करके जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र बहादुर सिंह, उप निरीक्षक राम सजन यादव, उप निरीक्षक सुरेंद्र नाथ, उप निरीक्षक मनोज कुमार तिवारी, कांस्टेबल धनंजय सिंह, कांस्टेबल संदीप कुमार, कांस्टेबल राजेश कुमार, कांस्टेबल रंजीत कुमार, कांस्टेबल धीरज कुमार, कांस्टेबल आशुतोष पटेल, कांस्टेबल लाल व्रत यादव और महिला कांस्टेबल रूबी तिवारी आदि शामिल रही। गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।